सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो अपना है वाइपर्स के बारे में। तो वाइपर्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा था। ये देखिए, ये पड़े दोनों वाइपर्स जिसके बारे में आज की आप वीडियो देखोगे। ये नॉर्मल वाले, ये अच्छे वाले, या अच्छे वाले बोलो या नए वाले बोल देना चाहिए। तो सोचा तो था गाड़ी में शूट करूँगा, पर गर्मी बहुत हो रही है और बाहर मौसम बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हो, ये देखो अगर दिखे तो छत पर चल के वीडियो बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन से बढ़िया हैं, कौन से बढ़िया नहीं हैं, कौन से महंगे आते हैं, कौन से सस्ते आते हैं, कौन से कम चलेंगे, कौन से ज़्यादा चलेंगे। तो सारे डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू रखो, छत पर एक बार जान दो और फिर अपन आगे वीडियो को अच्छे से बढ़िया से कंटिन्यू करते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो वीडियो पूरी देखना, टिल देन बाय। हाँ, तो आ गए अपन छत पर। अब थोड़ी हवा की आवाज़ ज़्यादा ही आ जाता है, माफ़ करना, थोड़ी ज़्यादा ही हवा चल रही है। तो अपन टॉपिक को अपना कंटिन्यू रखते हैं। मैं दोनों वाइपर्स देखो छत तक ले आया आपके लिए। ये एक तो ये टाइप के वाइपर्स आते हैं, ये बहुत कॉमन है हर गाड़ी में आजकल, यही लगे आते हैं। और आप बाहर खरीदने जाओ तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही वाले वाइपर्स हैं। ये इसमें क्या होता है, अपने मेटल वाली सिंपल कंस्ट्रक्शन है ऊपर से, आप देखो, और यहाँ पर अपनी वाइपर की ब्लेड लगी हुई है। अब जब मैं इस बार लगवाने गया अपनी गाड़ी में यही वाले वाइपर्स, तो उसने मेरे को शॉपकीपर ने बोला, सर आप ये वाले लगा के देखो, ये नए वाले वाइपर्स आए हैं। अब आप ये देखो कि ये वाले जो हैं ये मेटल के, ये फिक्स हैं, ऐसे ज़्यादा मुड़ते नहीं, बस ये हल्की हल्की या इनकी मूवमेंट है, उसके अलावा तो ये ऐसे तो पूरे फिक्स हैं, टाइट हैं। अब ये वाले जो हैं आप ये देखो कैसे थिक रबर के और प्लास्टिक के बने हुए हैं, ये है ना। तो इसमें भी सेम, बीच में यही ऐसी है अपनी जो वाइपर वाली की जो ब्लेड है वो बीच में है, और साइडों से ये ऐसे फ्लेक्सिबल है काफ़ी ये, तो और ऊपर से यहाँ से प्लास्टिक की बिल्ड है। तो जो उसके फ़ायदे जो मैंने देखे वो ये थे कि अपना जो मेरा पुराना वाइपर मैंने निकाला था वो ख़राब हो गया था, वो हमेशा ये ना या कॉर्नर से ये ख़राब हो जाते हैं, ये कट जाते हैं गर्मी और उसके वजह से। तो मेरे क्या था, जो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं ना, तो इसके बीच में यहाँ पे ये वाली, ये जो है ये एक ना मेटल की रॉड डलती है इनके अंदर। तो जब ये रबर ख़राब होकर निकल जाता है तो ये रॉड बाहर एक्सपोज हो जाती है। अब एक्सपोज होने की वजह से क्या है कि अगर आपने वो वाइपर की जो रबर है ये ज़्यादा निकल गई और आपने वाइपर चला दिया तो आपका शीशा हो गया पूरा स्क्रैच। तो वही चीज़ होती है, कई गाड़ियों में मैंने देखा है कैसा हुआ हुआ कि कैसे पूरी एक स्क्रैच की एक लाइन बनी होती है, वो ही नहीं वाइपर्स की वजह से हो जाता है अगर आप टाइम टू टाइम चेंज ना कराओ तो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा चीज़ हो सकती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये वाले वाइपर्स के साथ जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, पता नहीं ओ प्लस करके कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो बनाती है इनको, तो अगर आप इन वाले वाइपर्स के साथ जा रहे हो तो इसमें क्या, आप देखो यहाँ पर रबर है और बाकी साइड्स पर इधर भी रबर है और पीछे तो इधर पूरा प्लास्टिक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये देखो पूरा फ्लेक्सिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी गाड़ी को स्क्रैच कर दे, किसी तरह ख़राब कर दे। पर्सनली मैंने देखा काम तो दोनों सेम ही करते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इनके वर्किंग में, केवल ऐसा कि ये ज़्यादा अच्छा क्लीन कर रहा है, ये ज़्यादा कोई ख़राब कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने देखा सेम से ही है। और जब मैंने अपनी गाड़ी में लगवाए तो मैंने तीन सेट डलवाए थे, मतलब दो आगे के और एक रेयर वाली स्क्रीन का। तो इसका सेट मेरे को पड़ रहा था 580 का, हाँ हॉर्न बजा ले, 580 का मेरे को पड़ रहा था ये वाला, और जो ये वाला था ये मेरे को पड़ा 700 का। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है पर समहाउ इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है उन वालों से, तो मैं आपसे रिकमेंड कर सकता हूँ इसको, क्योंकि खुद यूज़ करके देखे मैंने तो मेरे को तो सही लगे। और अगर डैमेज भी नहीं करेंगे गाड़ी को किसी तरह, या अगर आपने गलती से कभी यूज़ कर लिए ख़राब हुए हुए भी, तो कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं होना इसका। तो बस यही वीडियो थी, यही कवर करनी थी इसमें कि ये दो टाइप के आजकल वाइपर्स चल रहे हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं है अगर अच्छे से वेल के रख सकते हो। आप चेक करते रहो बार बार कि अगर ख़राब तो नहीं हुए तो ये वाला यूज़ कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा अच्छा लेना है, इनका लुक भी थोड़ा अच्छा आता है, अभी सॉफ्ट भी हैं, अगर इस टाइप का यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो बारिश का सीज़न है, अगर वाइपर चेंज कराना है तो आई है होप कि ये वीडियो हेल्प करेगी आपका डिसीजन मेकिंग पे। ये वाइपर लेना कोई इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग तो नहीं, पर फिर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़वाइए, मेरे 860 हो गए, मेरे को 1000 चाहिए मोनेटाइज होने के लिए, तो जल्दी से जल्दी 1000 करा दीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, टिल देन बाय, टेक केयर।